ए, थोड़ा तमीज से हाँ। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, पहचाना नहीं क्या? धनंजय पीला वैशाली, बहुत बड़ी बड़ी हिट दी इन्होंने। ये तेरा एस आर के, सलमान, आमिर, इनको इतना अमीर किसने बनाया? सर ने। तो फिर इनको गरीब किसने बनाया? उन्हीं तीनों ने बनाया ना। एक बात याद रखिए मेरे भाई, जो बना सके वो मिटा भी सके। बॉलीवुड, India's biggest film industry, has now become a joke for their own audience. जो इंडस्ट्री yearly 5000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया करती थी, आज वो 1000 करोड़ क्रॉस करने में भी स्ट्रगल कर रही है। जहां शाहरुख, सलमान और अक्षय कुमार जैसे मेगास्टार अपनी हर मूवी के साथ इजिली 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया करते थे और वो न्यू कमर्स को भी लॉन्च किया करते थे, आज वो खुद अपने करियर में एक हिट फिल्म देने के लिए तरस रहे हैं। और इवन बॉलीवुड के ईयर 2020 और 21 का कलेक्शन 2016 में रिलीज हुई दंगल मूवी से भी कम है। जहां बॉलीवुड हर साल 8 से 10 मूवी 100 करोड़ क्लब वाली दे दिया करता था, वहीं पिछले 3 सालों में बॉलीवुड की सिर्फ 3 ही मूवीज 100 करोड़ क्रॉस कर पाई। और जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बॉलीवुड ने ईयर 2021 में किया, लास्ट टाइम उतना कलेक्शन तो उन्होंने ईयर 2005 में किया था। अब बस बॉलीवुड की लास्ट होप है एसआरके की पठान मूवी। सब लोग यही होप कर रहे हैं कि पठान मूवी शायद उनपे से ये कर्ज ब्रेक कर दे, और ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड है उस मूवी को बॉयकॉट करने के लिए। वैसे पठान मूवी के ट्रेलर ने फास्टेस्ट 1 मिलियन व्यूज क्रॉस करने का रिकॉर्ड तो बनाया है, तो देयर इज स्टिल सम होप। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड हैशटैग बॉयकॉट ट्रेंड का विक्टिम बना हुआ है और पब्लिक बॉलीवुड की हर एक मूवी को बॉयकॉट करने के लिए तैयार बैठी है। और ऑडियंस के ऐसे बिहेवियर के पीछे का रीजन खुद बॉलीवुड ही है। अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और एग्रेसिव नेचर की वजह से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पब्लिक में अपनी इन्फ्लुएंस खराब कर ली है। अब बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी पॉलिटिकल साइड काफी ज्यादा शो करते हैं टू केटर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। उनका मानना यह है कि कम से कम एक ग्रुप ऑफ पीपल तो उनकी मूवीज देखने आएगा ही, और साथ ही में उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब भले ही मूवी की टिकट्स बिके ना बिके, कम से कम उन्हें किसी पार्टी से तो टिकट मिल ही जाएगी। स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों के लिए इस प्रैक्टिस ने काफी सही वर्कआउट किया, बट आफ्टर सम टाइम सेलिब्रिटी के पॉलिटिकल बिलीव्स और पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्हीं पे वापस बैकफायर करने लगे। अब कुछ बॉलीवुड एक्टर्स का हर कंट्रोवर्शियल मैटर में अपना नाक घुसाना एक बहुत बड़ा रीजन बना पब्लिक के लिए इनको हेट करने का, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे पड़ने लगा। जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू ने हमेशा से सोशल मीडिया पे एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी शो की है, बट फिल्मों में उन कैरेक्टर्स के रोल प्ले कर दिए जो रियल लाइफ में अपोजिट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पब्लिक से काफी सारा बैकलैश भी मिला। और क्वीन कंगना रनौत, जो कभी बॉलीवुड को बैश करती थी तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और टीआरपी के प्रेशर में वो खुद मनोवर फारूकी के साथ नजर आई, जो एकदम अपोजिट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, और उनकी इन हरकतों का रिजल्ट हमारे सामने भी है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं जो रियल लाइफ में तो कुछ और हैं और ऑनलाइन कुछ और अपना करियर बनाने के लिए वो कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं, जैसे स्वरा भास्कर, आमिर खान, प्रकाश राज, नजरुद्दीन शाह, एंड द लिस्ट गोस ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और इसका सबसे बड़ा प्रेजेंट का एग्जांपल है कश्मीर फाइल्स। एक फिल्म नहीं रही, एक मूवमेंट बन गया है। उसके बाद अगर 239 करोड़ करती है तो वही मेरी वाली बात, ऐसा बिजनेस देखने को मिलेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस फिल्म ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर के कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं खुद एक नेशनलिस्ट हूँ, अब मेरे सामने एक मूवी आई कश्मीरी फाइल्स, जिसमें कि एक ऐसा इशू दिखाया गया जिसके लिए मैं और मेरे जैसे लाखों लोग हमेशा से अपनी आवाज उठाना चाहते थे। सो इसीलिए वो फिल्म मैंने अपने दोस्तों को भी दिखाई और अपने सारे रिलेटिव्स को भी सजेस्ट की, और मूवी ने एक वॉपिंग 300 करोड़ का बिजनेस भी किया। फाइनली लोगों में कुछ अवेयरनेस आने लगी, बट फिर मुझे पता चला कि उसके फिल्म मेकर 5 साल पहले खुद ही अपोजिट आइडियोलॉजी रखते थे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका ट्विटर अकाउंट कह रहा है। क्योंकि एक टाइम पे बॉलीवुड में दूसरी आइडियोलॉजी के व्यूअर्स डोमिनेट किया करते थे, तो मूवी मेकर्स भी उन्हीं के लिए फिल्म बनाया करते थे। लेकिन अब जब लोग जागरूक होने लगे और इन्हें बैकलैश मिलने लगा, तो वही सेम मूवी मेकर्स अब नेशनल इश्यूज पे मूवी बनाने लगे, क्योंकि लोग तो बहुत भोले हैं, 5 साल पहले क्या हुआ था वो भूल जाते हैं। और बॉलीवुड के व्यूअरशिप के कम होने का एक बड़ा रीजन है रिपीटेटिव कंटेंट। बॉलीवुड आजकल काफी ज्यादा रिपीटेटिव कंटेंट प्रोवाइड करने लगा है, और वो अपनी मूवीज को अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आइडियाज को विद द हेल्प ऑफ वंडरशेयर ईड्रॉ मैक्स, एन ऑल इन वन डायग्राम सॉफ्टवेयर विद रिच टेम्पलेट्स, जिसकी हेल्प से यू कैन क्रिएट UML प्रेजेंटेशन एंड फ्लो चार्ट्स और भी बहुत कुछ। ईड्रॉ मैक्स प्रोवाइड करता है एक वर्क स्पेस जहां आप क्रिएट कर सकते हैं मोर देन 280 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, इंक्लूडिंग UML डायग्राम्स, फ्लोर प्लान्स, फिशबोन डायग्राम्स एंड मेनी मोर। जो भी
टेम्पलेट आपको चाहिए वो आपको eDraw Max टेम्पलेट कम्युनिटी पे इजीली मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10,000 से ज्यादा टेम्पलेट्स और 26,000 से ज्यादा सिंबल्स और भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप एंडलेस डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। वंडरशेयर eDraw Max इज अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स एंड ऑनलाइन एंड सपोर्ट्स 11 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश एज वेल। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन डाउनलोड वंडरशेयर eDraw Max फॉर फ्री, द लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन। और इवन मैंने eDraw Max यूज किया खुद के कंटेंट डायग्राम्स क्रिएट करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी इट इज सुपर इजी एंड कन्वीनियंट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स। और बॉलीवुड के डाउनफॉल का एक बड़ा रीजन है ड्रग स्कैंडल्स। सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर जैसे एक्ट्रेसेस का नाम ड्रग अब्यूज केसेस में आया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फैंस ने उनके लिए रेस्पेक्ट लूज करना शुरू कर दिया और उनका इन्फ्लुएंस जनरल पब्लिक में से कम होने लगा। और आजकल तो कोई छोटा बच्चा भी आंख बंद करके बता देगा कि बॉलीवुड की नेक्स्ट रिलीज क्या होने वाली है, एक रीमेक या फिर कोई बायोग्राफी या फिर कोई पेट्रियोटिक मूवी। और कंसिस्टेंटली ऐसे खराब स्टोरीज देने की वजह से कुछ अच्छी मूवीज भी ओवरशेडो होने लगी, जैसे कि झुंड, अटैक और शमशेरा जैसे अच्छे स्टोरीज भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गए। और कुछ बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स तो आज भी वही घिसी पिटी कमर्शियल मूवीज बनाने में बिजी हैं, लेकिन अब ऑडियंस इवॉल्व हो चुकी है और वो अच्छा कंटेंट डिमांड करती है। अब कोई भी उन सेम ओल्ड क्लीशे लव स्टोरीज में इंटरेस्टेड नहीं है जिनसे कोई भी रियल लाइफ में रिलेट नहीं कर पाता। डैडी मुझे अपनी फरारी की चाबी देना, मुझे स्कूल जाना है लौंडियाबाजी करने। ओके माय डियर सर, अपने डैडी की लेगेसी को मेंटेन करना। सर छोटे बच्चे को गाड़ी दे दिया, क्या नॉनसेंस बात करते हो। नॉनसेंस बातें तुम कर रहे हो, अरे हम बॉलीवुड मूवी में हैं। और सर तुम भूल रहे हो कि मेरा नाम राज सिंघानिया है। सिमरन तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे और सूरज भी ले आऊंगा और अपनी जान भी दे दूंगा। कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो। नॉनसेंस बातें तुम कर रही हो, अरे हम बॉलीवुड मूवी में है यार। अब वर्ड ऑफ माउथ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवी को पॉपुलर बनाने में। और कोई भी इंसान आपको मूवी को तभी सजेस्ट करेगा जब उसमें एक्चुअली में कुछ अच्छा कंटेंट होगा। और मार्केटिंग करने से ज्यादा आप मूवी को एक अच्छी ओपनिंग दिला दोगे, बट अगर मूवी की स्टोरी अच्छी नहीं होगी तो फ्यूचर शोज में क्राउड खुद ही डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और ईयर 2022 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर 500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा स्पेंड किया गया है सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए। और क्रिटिक्स तो ब्रह्मास्त्र मूवी के कलेक्शन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, जिस मूवी का बजट 450 करोड़ रुपए था और उसके पर 40 करोड़ से ज्यादा मार्केटिंग पे ही स्पेंड किया गया, वो मूवी भी बेयरली अपना अमाउंट रिकवर कर पाई। एंड इट इज वेरी कंसर्निंग फॉर बॉलीवुड इंडस्ट्री। और इस पॉइंट पे किसी भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये आइडिया नहीं है कि क्या मूवी फ्लॉप होगी और कौन सी मूवी हिट। और बॉलीवुड के लेस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक बड़ा रीजन डिक्लाइन इन सिंगल स्क्रीन सिनेमाज भी है। बॉलीवुड का 40-45% कलेक्शन सिंगल स्क्रीन सिनेमाज के थ्रू ही आया करता था, लेकिन अब मल्टीप्लेक्सेस के बढ़ जाने के बाद टिकट प्राइसेस भी रेज हो गए हैं और COVID-19 के बाद तो लोगों की थिएटर जाने की आदत भी ब्रेक हो गई। और अब तो काफी सारी मूवीज OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं, तो लोग एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस पे करके और घर के कंफर्ट में मूवी देखना ज्यादा प्रेफर करने लगे। मल्टीप्लेक्सेस में एवरेज टिकट प्राइस है 207 रुपए एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, और उससे काफी कम अमाउंट में तुम किसी भी OTT पे कंटेंट वॉच कर सकते हो। और साउथ इंडियन मूवीज के सक्सेस का रीजन भी सिंगल स्क्रीन सिनेमाज ही है। साउथ इंडियन मूवीज की मेजोरिटी ऑडियंस ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करती है और वो लोग मूवी का एक्सपीरियंस थिएटर में ही लेना पसंद करते हैं। और सिंगल स्क्रीन सिनेमाज की टिकट कॉस्ट भी कंपैरेटिवली काफी कम है मल्टीप्लेक्सेस से। और वहीं बॉलीवुड की मेजॉरिटी ऑडियंस में है मिलेनियल्स, जो ज्यादातर कंटेंट OTT पे कंज्यूम करना पसंद करते हैं। इंडिया के अंदर 119 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव OTT यूजर्स हैं। और सिनेमाज के रीओपन होने के बाद भी OTT काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है। अब OTT ने भी इनके साथ रिवर्स गेम खेल दिया। पहले तो उन्होंने हर प्रोडक्शन की नई पुरानी मूवी के लिए मुंह मांगा अमाउंट पे किया, जिससे कि ये अपने प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी मूवी लाइब्रेरी बना सके, ताकि कोई भी यूजर अगर किसी पर्टिकुलर मूवी की वजह से उनके प्लेटफॉर्म पे आए तो उसे वहीं पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाए और वो राइवल प्लेटफॉर्म पे जाने के बारे में सोचे ही ना। तो उसके बाद मूवी मेकर्स को लगने लगा कि मूवी थिएटर में चले या ना चले उसको कोई OTT तो खरीद ही लेगा, लेकिन वहां OTT ने पुल कर दिया उनो रिवर्स कार्ड। तो अब OTTs ने मूवी मेकर्स के सामने ये कंडीशन रख दी कि पहले मूवी को थिएटर में ही रिलीज करो और अगर वो मूवी थिएटर में अच्छा परफॉर्म करेगी तभी OTT उसको पैसे देके खरीदेगा। इसका मतलब अगर मूवी फ्लॉप हुई तो वो OTT पे फ्री के भाव ही जाएगी। तो अब यहाँ पे आके मूवी मेकर्स फंस गए। अब लोग तो वेट करते हैं OTT पे मूवी के रिलीज होने का और प्रोड्यूसर्स वेट करते हैं लोगों के थिएटर में आके मूवी देखने का। तो बेसिकली अब लोग सिनेमा सिर्फ इमर्सिव एक्सपीरियंस वाली मूवीज देखने जाना ही पसंद करते हैं, जैसे कि अवतार 2 के विजुअल्स आप सिर्फ सिनेमा में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। और RRR जैसी मूवी के BGM और एक्शन सीन्स भी आपको थिएटर में ही अच्छे लगेंगे। और काफी हद तक साउथ इंडियन मूवीज बॉलीवुड मूवीज को टेक ओवर भी कर चुकी हैं। अब ऑब्वियसली साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड से ज्यादा वर्सेटाइल है एंड दे हैव गट्स टू कम अप विद न्यू स्टोरीज एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो उनके रीसेंट हिट्स जैसे RRR और पुष्पा
एक एक्शन पैक्ड मसाला मूवी है और ऐसे मूवीज बॉलीवुड 90s में काफी बना चुका है। और रियलिटी तो ये है कि बॉलीवुड के पास आज भी साउथ इंडियन सिनेमा से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू ऐसे डिस्ट्रॉय कर ली है कि उसको रिवाइव करना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। सिमरन, हम एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं, तो वक्त आ गया है तुम्हें अपनी माँ से मिलाने का। छी, कितना क्रिंज है, इसीलिए बॉयकॉट होना चाहिए इनका। ए शीला, अब वक्त आ गया है मेरे तेरे लफड़े के बारे में तेरी माँ को बताने का। रानी बना के रखूंगा। क्या बोला है भाई, बाइक का मस्त डायलॉग है, फुल पावर भाई, फुल पावर। अबे उसने भी तो यही बोला था। पर भाई ये साउथ है, साउथ साउथ है भाई, साउथ की बात अलग है। और फ्लॉप तो साउथ इंडियन मूवीज भी होती हैं। प्रभास की राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पे एक डिजास्टर रही और अभी उससे कम्पीट करने के लिए वो आदि पुरुष भी ला रहे हैं। और शायद आने वाले कुछ सालों में ये रोल स्विच हो जाए और लोग बॉलीवुड को दोबारा प्रेज करने लगे और टॉलीवुड को गालियां देने लगे, क्योंकि हमारी जनता जितनी स्पीड से किसी को ऊपर उठाती है उससे तेज नीचे पटकती भी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम वही सेम लोग हैं जो अनुष्का शर्मा के स्टेटमेंट के ऊपर विराट और अनुष्का को गालियां देने लगे थे, और आज उन्हें वृंदावन घूमते देख वही सेम लोग उन्हें प्रेज कर रहे हैं। तो आई थिंक एज अ ऑडियंस हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हमारे पास कोई भी रेवोल्यूशनरी चेंज लाने की पावर है, और अगर हम अपनी इस पावर का मिसयूज करेंगे तो हम भी कल इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह अपना इन्फ्लुएंस खो बैठेंगे। तो हमें चीजों को बहुत ही वाइजली पॉइंट आउट करना होगा और बॉयकॉट जैसी स्ट्रॉन्ग टर्म को सही जगह पे ही यूज करना होगा, ताकि हमारी बात का भी इन्फ्लुएंस बना रहे।